स्टेबल फील नहीं होती। अब जो कमी है मेरे को लगती है गाड़ी की बिल्ट में, अब बिल्ट से मेरा मतलब इस चादर से है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग भाई। मैं अपनी गाड़ी को ना 4000 किलोमीटर चला चुकी हूँ, टू बी प्रिसाइज बताऊं तो 3841 किलोमीटर ड्राइव कर चुकी हूँ। इस टाइम में ना मुझे पता चल गया, या कोई भी ओनर को पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी में क्या पॉजिटिव्स है और क्या नेगेटिव्स है। तो बेसिकली ना ये कंप्लीट रिव्यू काइंड ऑफ ही हो जाएगा कि अगर आप ग्रैंड विटारा परचेज करना चाहते हैं तो ग्रैंड विटारा में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है ये आपको पता चल जाएगा। तो भाई मुझे पता है आपको सबसे ज्यादा मजा आता है नेगेटिव सुनने में, तो सबसे पहला नेगेटिव इसका जो है वो है इसकी लाइट्स। अब लाइट्स में यार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि चाहे टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल हो, आपको एक सिंगल यूनिट ही मिलती है लाइट्स के लिए। बेस में तो वैसे इसमें येलो लाइट आती है, टॉप में एलईडी आती है, बट स्टिल इतना मजा नहीं आ पाता क्योंकि ना इसमें आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं, हाई बीम लो बीम स्विच करने के लिए भी आपको एक सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है। अब ठीक है, इसकी लाइट्स डिसेंट हो गई है, मैंने इसमें 160 वॉट डलवाई है, बट स्टिल आप बाकी ब्रांड छोड़ दो, सुजुकी की गाड़ियों से आप कंपेयर कर लो, ब्रेजा में यार दो यूनिट्स मिलती है आपको हाई बीम और लो बीम स्विच करने के लिए, फिर नीचे आपको एक फॉग लैंप भी मिल जाता है। इसमें ना फॉग लैंप आता है ना हाई बीम लो बीम के लिए अलग अलग यूनिट्स आती है, तो इतना मजा नहीं आ पाता लाइट्स के केस में। चलो बाकी गाड़ियां हम लोग एक बार साइड पे भी रख देते हैं। अभी नई नवेली आई है फ्रॉन्क्स, अगर आप उसमें भी देखोगे ना आपको तीन लाइट्स का सेटअप मिल जाता है। उससे अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इतना अच्छा रिस्पांस ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ले दे के एक ही प्रोजेक्टर है जो हाई बीम लो बीम में स्विच होता है, ऊपर से फॉग लैंप भी नहीं है। तो यार मेरे हिसाब से अभी मारुति की लाइनअप की ना सबसे एक्सपेंसिव कार ब्रांड भी आ रही है, तो उस हिसाब से ना यहाँ पे लाइट्स अपग्रेड करने की जरूरत मारुति को डेफिनेटली थी। तो इसका जो सेकंड नेगेटिव है वो अंडर द हुड है, वो है इसका ये इंजन। यार इसको मैं पॉजिटिव में भी कंसिडर करूंगी जब पॉजिटिव की बात करूंगी, फिलहाल नेगेटिव ये है कि यार ये थोड़ा सा ना मुझे अंडर पावर लगता है। 1.5 लीटर का अच्छा खासा इंजन है, बट ये नेचुरली एस्पिरेटेड है। इस सेगमेंट की और इससे नीचे वाले सेगमेंट में भी ना काफी गाड़ियों में टर्बो चार्ज इंजन आ रहा है। अब बात आती है इसके पावर कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये 101 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करता है। यार जिस हिसाब से इंजन का साइज है ना, उस हिसाब से थोड़ी सी पावर बेटर होती ना तो मजा आ जाता, और ऊपर से गाड़ी का साइज भी काफी अच्छा है, अगर पावर कॉन्फ़िगरेशन बेटर होती ना तो सही रहता। जो थर्ड नेगेटिव है वो ये है कि डीजल इंजन ऑप्शंस नहीं ऑफर किए जा रहे हैं। आप मारुति की कोई भी गाड़ी उठा के देख लो, डीजल इंजन ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है यार, अगर आप उनका कैलकुलेटर देखोगे ना तो उनका पॉइंट भी वैलिड है, उन्होंने सारा कैलकुलेट करके दिखाया। जो पेट्रोल गाड़ियां होती है ना वो लो मेंटेनेंस होती है, मैं अग्री करती हूं। और एक और बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है कि 15 साल तक दिल्ली में चल जाती है, बट उसके बाद भी जिन लोगों को डीजल गाड़ियां चलानी है ना उनको डीजल गाड़ी चलाने में ही मजा आएगा। अगर आप सेगमेंट की बाकी गाड़ियां देखोगे तो आपको दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं, डीजल भी मिल रहा है पेट्रोल भी मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन ही मिल रहा है। इवन जिमनी 4x4 आने वाली है उसमें भी आपको सेम इंजन मिल रहा है पेट्रोल। तो मेरे हिसाब से ना एक डीजल इंजन ऑप्शन डेफिनेटली आ जाना चाहिए, क्योंकि वही जैसा मैंने आपको बताया आज जिनको डीजल चलाना है ना वो डीजल ही चलाएंगे। फोर्थ नेगेटिव है वो है इसकी बिल्ट, जिससे आप लोगों को भी शिकायत रहती है। यार सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो दो पॉइंट्स रहते हैं, एक तो रहता है सेफ्टी फीचर, दूसरा रहता है गाड़ी की बिल्ट। अब सेफ्टी फीचर्स में मुझे नहीं लगता सुजुकी कहीं से लेकर कहीं तक कोई कमी रख रही है। और फोर डिस्प्ले का आपको ऑफर किए जा रहे हैं, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, सब कुछ तो आपको ऑफर किया जा रहा है, साथ में एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, जैसे जब पोलो का क्रैश टेस्ट हुआ ना बिना एयरबैग्स के तो उसने 0 स्टार स्कोर किया, बट जब एयरबैग्स और सेफ्टी फीचर्स ऐड कर दिए गए तो उसने 4 या 5 स्टार स्कोर किया था। तो यार सेफ्टी फीचर्स जो होते हैं ना वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। मेरे हिसाब से सुजुकी ने सेफ्टी फीचर्स में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं रखी है। अब जो कमी है वो कहां है मेरे को लगती है गाड़ी की बिल्ट में, अब बिल्ट से मेरा मतलब इस चादर से है। यार मेरे हिसाब से ये जो चादर है ना थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। अब देखो यार इसमें भी एक पॉइंट ये है कि मारुति अभी करंटली सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑफर कर रहा है, और उन पेट्रोल इंजन से इतनी अच्छी डीजल इंजन जितनी अच्छी माइलेज ऑफर कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क है जो करंटली मारुति कर रहा है। तो उसके लिए ना गाड़ी को थोड़ा सा लाइट वेट बनाना जरूरी है ताकि माइलेज इंप्रूव हो सके। यार ये पॉइंट भी मैं समझती हूँ, बट मेरे हिसाब से अगर मारुति थोड़ा सा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करता है तो यार गाड़ी की जो बिल्ट है ना बहुत बेटर हो जाएगी। और ये हो जाता है ना तो ट्रस्ट मी मारुति के जो सेल फिगर्स है वो कोई गाड़ी कोई ब्रांड कहीं से कहीं तक बीट नहीं कर पाएगा। मैं बिल्ट की बात आप लोगों के साथ कर ही रही हूँ ना, तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट और है स्टेबिलिटी। देखो यार अगर मैं इसको 110 के बाद में चलाती हूँ ना तो ये उतना स्टेबल फील नहीं होती, क्योंकि गाड़ी जितनी भारी होती है ना उतनी रोड से जम के चलती है। तो 110 के बाद थोड़ी मुझे स्टेबिलिटी कम लगती है, अगर गाड़ी में बिल्ट थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी ना तो स्टेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। जो नेक्स्ट नेगेटिव है वो है इसका रियर स्पेस। दो लोगों को अगर बैठ के जाना है तो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट सेंटर में जो पर्सन बैठेगा ना उसको पैर रखने में पहले प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक तो यहाँ हम भी है, सॉरी पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट मेरी अच्छी नहीं है, सामान रखा हुआ है तो उसको माफ कर देना, बट हाँ यहाँ पे देखो पहले तो हम्प है, उसके बाद यहाँ पे एसी वेंट्स भी है तो सेंटर वाले पर्सन को पैर रखने में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद यार यहाँ पे मुझे लगता है कि जो रिक्लाइन एंगल है ना उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव करने की नीड है, बाकी सब ठीक है। ये अगर इंप्रूवमेंट हो जाती ना तो मजा ही आ जाता। जो नेक्स्ट नेगेटिव मुझे लगता है वो उसकी प्राइसिंग को लेकर लगता है। मेरे हिसाब से इसका जो टॉप मॉडल है ना थोड़ा सा हाईली प्राइस लगता है। मानती हूँ उसमें यार पूरा आपको हाइब्रिड सिस्टम मिल जाता है, बट स्टिल उसके हिसाब से कुछ फीचर्स भी मुझे कम लगते हैं, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिलती। इतना प्राइस चार्ज कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, HUD तक आपको ऑफर कर दिया गया है, तो मेरे हिसाब से ये दो तीन फीचर्स और एड ऑन हो जाते हैं ना तो सोने पे सुहागा हो जाता।
अब बारी आ जाती है पॉजिटिव्स की। इस गाड़ी में भर भर के पॉजिटिव्स है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉजिटिव है कि इस गाड़ी में मैंने लगा रखा है इन्वॉल्व का परफ्यूम। भाई इसको ना मैं 1-1.5 साल से यूज कर रही हूँ, डेफिनेटली इसको रेकमेंड कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसको ना आपको ऐसे ओपन करना है और बस 2 बार यहाँ कार्ड पे स्प्रे करना है। और इसकी जो खुशबू है, सबसे पहले तो इतना लॉन्ग लास्टिंग है, ऊपर से पूरी गाड़ी में फैल जाती है। कोई भी आपकी गाड़ी में आके बैठेगा ना, पहले आपसे पूछेगा जरूर, भाई गाड़ी में लगा क्या रखा है तुमने। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली रिकमेंडेड है। ये तो मेरे लिए था। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा, मेरा कूपन कोड हर गैरेज यूज कर लेना। जो सेकंड पॉजिटिव है वो है इस गाड़ी का प्राइस। अब प्राइस को मैंने नेगेटिव में भी कंसीडर किया था, पॉजिटिव में भी कंसीडर कर रही हूँ। ये सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी है जो इसका बेस वेरिएंट है। ये मुझे 11,80,000 ऑन रोड में पड़ गया था। उसमें आपको क्या क्या ऑफर किया जा रहा है वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो यार यहाँ पे अगर आप देखोगे, फिलहाल तो मैंने एक ग्रिल ब्लैक करवा रखी है, बट बेस वेरिएंट में आपको पूरा क्रोम में मिलता है। बेस वेरिएंट में बहुत सही चीज है। देन यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं, देन आपको यहाँ पे डीआरएल्स मिल जाते हैं, और उसके ऊपर से आपको ना 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, चाहे टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल, आपको 17 इंच का ही टायर्स मिलता है। यहाँ पे मैंने अलॉय डलवा रखे हैं, वो अलग बात है। देन यहाँ पे जो ओआरवीएम है वो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल मिलते हैं। देन गेट पे आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाती है आपको यहाँ पे। एंड देन ओआरवीएम की कंट्रोल भी देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगती है वो है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। बेस वेरिएंट में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी ऑफर किया जाता है। अभी स्टीयरिंग व्हील तो चलो यहाँ पे मैंने चेंज कर रखा है, बट बेस वेरिएंट में जो स्टीयरिंग व्हील आता है ना, उसके ऊपर यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं आपको। देन यहाँ पे आपको जो एमआईडी मिलती है बेस वेरिएंट के हिसाब से, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी एमआईडी मिल जाती है। ऑटो एसी तक आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट में ऑफर किया गया है। और अगर आप किसी भी गाड़ी का सनशेड देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर बेस वेरिएंट में नहीं मिलता, यहाँ पे आपको दोनों साइड वैनिटी मिरर मिल जाता है, बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। और यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है। देन इसके टेल लैंप्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। बेस वेरिएंट में भी आपको एलईडी टेल लैंप्स ही ऑफर किए गए हैं। और ये जो स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हो, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही फीचर्स के साथ में आता है। एंड रियर में अगर हम चलेंगे ना, तो यहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और साथ में यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। यार अभी मैंने आपको जितने फीचर्स बताए ना, फटाफट बता दिए, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें मैं मिस भी कर रही होंगी। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो ना, तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लेना। जब मैंने इसको खरीदी थी, ये बिल्कुल रॉ थी ना, तब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, वहां पे जाके आप चेक कर लेना। फिलहाल तो मैंने इसको मॉडिफाई भी करवा लिया, काफी सारी चीजें चेंज भी हो गई है। जो नेक्स्ट पॉजिटिव है वो अंडर द हुड है। अंडर द हुड नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी है, वो है इसका इंजन। भाई 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इतना साइलेंट है, सुपर डुपर साइलेंट है, कैबिन में बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। इवन आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, कभी कभी आपको आरपीएम देख के चेक करना पड़ता है कि गाड़ी स्टार्ट हुई है। एकदम ईवी वाइब्स देती है गाड़ी, बहुत ज्यादा साइलेंट है। जो नेक्स्ट पॉजिटिव है वो है इसकी माइलेज। भाई गाड़ी कसम से बहुत ही अच्छी माइलेज देती है। अभी आप एमआईडी में भी देखोगे ना, तो लास्ट 350-400 किलोमीटर में 18.1 किलोमीटर पर लीटर की इसने माइलेज निकाल के दी है। यार मैंने ना डिटेल में भी वीडियो बना के शेयर की थी आप लोगों के साथ, अगर वो वीडियो देखना चाहते हो, डिटेल में देखना चाहते हो माइलेज टेस्ट, तो यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके चेक कर लेना। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रही हूँ जेन्युइनली माइलेज बहुत ही अच्छी निकाल के देती है। उसके ऊपर से इसकी जो माइलेज है वो थोड़ा सा खराब करने के पीछे अलॉयज और टायर्स का भी हाथ है, उसके बाद भी इतनी अच्छी माइलेज निकाल के दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है। यार अभी तो मैंने जितनी बात की है स्मार्ट हाइब्रिड की है, उसमें इतनी अच्छी माइलेज दिखा रहा है। अगर इसका जो हाइब्रिड वाला वेरिएंट आता है वो आप कंसीडर करते हो ना, तो माइलेज 27-28 से नीचे कहीं जाती ही नहीं है, इतनी अच्छी माइलेज ये आपको निकाल के दे देती है। नेक्स्ट पॉइंट है मारुति खुद, यानी कि मारुति की रिलायबिलिटी। भाई ये तो जग प्रसिद्ध है, हर किसी को पता है मारुति बहुत ही रिलायबल ब्रांड है। अगर आप अपने दादा परदादा से भी पूछोगे ना कि अभी गाड़ी खरीदनी है तो कौन सी खरीदे, डेफिनेटली वो एक ही नाम आपको बताएंगे, मारुति। इवन आज के टाइम में भी ना, हर किसी के घर में एक ना एक मारुति गाड़ी तो रही ही होगी, तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा रिलायबल ब्रांड है। उसके ऊपर से एक नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सर्विस का। आप चाहे आप एक ही पॉइंट में कंसिडर कर लो या नेक्स्ट पॉइंट मान लो, भाई मारुति की जो सर्विस है ना बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैंने पहली सर्विस यानी कि पहला चेकअप करवा लिया, मैं कब गई और कब सर्विस करवा के आ गई मुझे पता भी नहीं चला। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, कस्टमर के टुवर्ड्स जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग था। इवन इनका जो सर्विस नेटवर्क है ना वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी भी बहुत ईजिली हो जाती है और बहुत ही चीप प्राइसेस पे हो जाती है। तो ये सब चीजें मिला के ना एक बहुत ही अच्छा ब्रांड बना देती है मारुति को। यार एक और पॉजिटिव है जो मैंने नेगेटिव में भी कंसिडर किया था, इसका जो टॉप मॉडल है ना उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। पैनोरमिक सनरूफ मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, एचयूडी मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, हाइब्रिड इंजन मिल जाता है। तो यार इतने सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और डेफिनेटली फीचर्स तो किसको ही नहीं पसंद होते। जो नेक्स्ट पॉजिटिव है ना वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड है, मेरी ग्रैंड विटारा के लिए वो पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने इसको मॉडिफाई करवाया। पहली बात तो उसकी जो एसेसरीज है वो मारुति से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गई। दूसरी बात ये है कि यार मॉडिफाई करवाने के बाद इसकी जो लुक है ना, जैसे मैंने इसको रैप वगैरह भी करवा रखा है, अलॉयज भी डलवा रखे हैं, ये सब करवाने के बाद जो इसकी लुक है वो कुछ अलग ही निखर के आई है। इतनी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, इतनी ज्यादा माफिया सी सुंदर सी गाड़ी लग रही है। तो ये एक मेरी ग्रैंड विटारा के लिए मेरी तरफ से पॉजिटिव है। तो ये तो थे वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो मुझे लगते हैं। आपके दिमाग में कोई और पॉजिटिव और कोई और नेगेटिव आ रहा है ना, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मुझे बड़ी खुशी होगी पढ़ने में। तो बस यार आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। बाय बाय।